दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। बाबा गुरमीत राम रहीम को श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा दी गई माफी के विरोध में आज कुछ सिख संगठनों ने पंजाब बंद करने की कॉल दी थी, जिसका जलंधर में बड़ा असर देखने को मिला, जिसके चलते शास्त्री मार्केट, सहदेव मार्केट, नाज सिनेमा मार्केट, सेंट्रल टाउन व कुछ अन्य बाजार बंद नजर आए, जबकि रैनक बाजार खुला मिला। माहौल उस समय तनावपूर्ण हो गया जब सेंट्रल टाउन गुरुद्वारा के पास सिख युवक जबरदस्ती दुकानें बंद करवाने पहुंच गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही एडीसीपी सिटी वन परमजीत सिंह, एसीपी देवदत्त शर्मा व पांच थानों के एसएचओ मौके पर पहुंच गए, जहां पुलिस और सिख युवकों के बीच में बहसबाजी शुरू हो गई। इस दौरान पुलिस द्वारा युवकों को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने पुलिस की एक न सुनी और अपना प्रदर्शन जारी रखा, जिसके चलते पुलिस ने जगजीत सिंह गाबा, गुरमीत सिंह बिट्टू सहित पूरी सिख तालमेल कमेटी को हिरासत में ले लिया। इसके बाद पुलिस उन्हें थाना डिवीजन नंबर 7 ले गई, जहां उन्हें बिठाया गया और करीब 2 घंटों के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए एडीसीपी सिटी वन परमजीत सिंह ने बताया कि शहर के माहौल को शांतिपूर्वक बनाए रखने के लिए उन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया, ताकि आम लोगों को किसी भी प्रकार की मुश्किल का सामना न करना पड़े। अकाल तख्त साहब सिखां दी सर्वोच्च संस्था है, और उत्थों जिहड़ा फैसला होया ये बिल्कुल गलत होया। ये सिख हितां विच नहीं है, पंथक हितां दे खिलाफ है। जे ये अज करना सी फैसला 8 साल पहला करना चाहिए सी। अज का प्रोटेस्ट असी यही सीगा, अज दोपहर तक असी बंद करवाया गया सी कि पंजाब बंद करके असी उन्हां लोकां नूं जिन्हां ने ये समझौता प्राप्त किया, जो मता पास किया पंच सिंह साहबान ने, वो किसी होर के इशारे से नागपुर तो संदेश आया, नागपुर तो लिखित उन्हें पढ़ के सुनाई है। पुलिस ने साडा प्रोटेस्ट रोक किया जो कि कानून के विरुद्ध है, उसके संबंध में जो प्रोटेस्ट एक्शन एक्शन लिया, फिर 15 बंदे रौला किए हैं। करने वाले निकले जी जल्दी ना कुछ ऐसे ही करने वाले कुछ ऐसे ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸਿੰਧ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਦਹਿਸ਼ਤਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਆਏਗਾ।